हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन केजरीवाल, फाउंडर माय लिटिल चैम्प से। बहुत जने का मेरे पास में कमेंट्स आ रहा था कि हम लोग ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे दुकानदार भाई लोग तो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो ऑफलाइन तो सेल कर ही रहे हैं, उनका शॉप है ही, होलसेल भी कर रहे हैं, रिटेल भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ऑनलाइन पे भी कैसे जुड़ सके। वो लोग बहुत सारे जन मेरे से पूछ रहे थे कि हम लोग ऑनलाइन कैसे जुड़ सकते हैं, तो उन भाई लोग के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ कि हम लोग ऑनलाइन कैसे जुड़ सकते हैं। ये मैं एक समझ लीजिए कि एक सीरीज ही चालू कर रहा हूँ ऑनलाइन के लिए, जिसमें पूरा का पूरा मैं डिटेल्स देने वाला हूँ कि हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन पे भी कैसे सेल कर सकते हैं, और ऑनलाइन पे भी बहुत अच्छा स्कोप है माल बेचने का। आप ये चीज़ समझ करके रखो कि ऑनलाइन पे तो हम लोग जो सेल कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, अगर हम लोग ऑफलाइन पे तो हम लोग जो सेल कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन पे भी अगर सेल करते हैं प्रोडक्ट, तो एकदम से हमारा जो टर्नओवर है ना, वो 2 गुना 3 गुना टर्नओवर के ऊपर में हमारा कंपनी जो है ना वो पहुंच सकता है। तो इसीलिए आप ऑनलाइन को अवॉइड मत करिए, ऑनलाइन सेल करना बहुत ही अच्छा बात है। और इसके अंदर में मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, नॉर्मल KYC तो आपके पास में है ही, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो वगैरह जो भी आपका चाहिए होगा, ये सब तो आपके पास में आपका मिल ही जाता है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन के में बेचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है? पहला GST नंबर, और दूसरा आपके कंपनी का करेंट अकाउंट। बस आप GST नंबर लेते हैं तो आपको कोई करेंट अकाउंट खोलना ही पड़ता है। आप अगर GST नंबर लेते हैं तो आपको एक करंट अकाउंट खोलना ही पड़ता है, क्योंकि GST नंबर हमेशा कंपनी के नाम पे ही होता है, तो उसी कंपनी के नाम पे आपको एक जो है ना वो करंट अकाउंट चाहिए होगा। आप कोई भी लोकल आपके आसपास के आजू बाजू के एरिया में जाकर के आप नॉर्मली एक अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट, जो भी आपका 5,000 7,000 रुपये जो भी आपको डिपॉजिट मनी लगता है। और एक GST नंबर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, जो भी आपके बगल में जो भी CA वगैरह हो, आप उनसे कांटेक्ट करके आप एक अपना GST नंबर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस लगता है, 1,500 रुपये का फीस लगता है, बहुत बड़ा कोई खर्चा नहीं है GST का, बहुत बड़ा कोई मेंटेनेंस भी नहीं है GST का, कि भाई बहुत ज़्यादा कोई मेंटेनेंस करना पड़ता है और ये सब चीज़ का। तो आप एक आपको GST नंबर चाहिए होता है और एक आपको करेंट अकाउंट चाहिए होता है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लेकर के आप अपना आराम से ऑनलाइन के ऊपर में सेल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मीशो के ऊपर में हम लोग रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, मीशो में हम लोग कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है मीशो में रजिस्ट्रेशन करने का, कि हम लोग जब माल सेल करने जाएंगे तो पहले हमें जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर, जिस जिस कंपनी के में हम लोग को सेल करना है, तो वो कंपनी में हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताने पड़ वाला हूँ मीशो के अंदर में हम लोग एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और पार्ट वाइज पार्ट मैं एक वीडियो लेकर के आता जाऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि हम लोग प्रोडक्ट को लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, कि प्रोडक्ट हम लोग का सेल कैसे होगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर आने के बाद में हम लोग का ऑर्डर को हम लोग प्रोसेस कैसे करेंगे, वो सारा का सारा मैं पार्ट वाइज वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर में। सबसे पहले चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, हम लोग खोलेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर सिंपली सर्च करेंगे मीशो सेलर, एंटर। मीशो सेलर के ऊपर में पहले वाला ही जो आइकन आ रहा है, मीशो सेलर, मीशो सप्लायर सेल ऑनलाइन ऑन मीशो एट 0% कमीशन, मतलब ये बोल रहा है कि हम लोग कोई कमीशन नहीं लेते हैं, चाहे आप 2,000 का माल बेचो, चाहे 2 लाख का माल बेचो, मीशो कोई भी कमीशन नहीं लेता है, मीशो आपसे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता है। आप जिस प्राइस के अंदर में बेचना चाहते हैं आप उस प्राइस के अंदर में बेचिए, मीशो आपसे कोई कमीशन भी चार्ज नहीं करता। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए, एक लॉगिन का और एक स्टार्ट सेलिंग का। तो अगर आपने अपना अकाउंट बना लिया है तो आप नॉर्मली लॉगिन करेंगे, और अगर अपना अकाउंट आपने जिसने नहीं बनाया है वो स्टार्ट सेलिंग के ऊपर में क्लिक करेंगे, ठीक है।
ये देखिए मीशो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि 6 लाख प्लस ट्रस्टेड मीशो टू सेल ऑन ऑनलाइन, मतलब उनके पास में 6 लाख से भी ज़्यादा जो है ना वो सेलर है उनके इनके संग में। और देखिए 11 करोड़ प्लस इनके पास में कस्टमर भी है, कस्टमर बाइंग अक्रॉस इंडिया 11 लाख कस्टमर है। मीशो जो है 28,000 पिन कोड के से भी ज़्यादा के ऊपर में माल अपना सप्लाई करता है, मतलब 28,000 प्लस से भी ज़्यादा आपको जो है ना पिन कोड के ऊपर में मीशो अपना प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है। उसके बाद में 700 प्लस कैटेगरीज टू सेल ऑनलाइन, 700 से भी ज़्यादा कैटेगरीज के ऊपर में मीशो जो है ना वो डील करता है। कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल या परचेज करना हो तो मीशो जो है ना 700 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट पे ना डील करता है। तो चलिए अब हम लोग अपना अकाउंट को नया अकाउंट एक बनाने का कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर डालूँगा, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ऑलरेडी इस नंबर पे जो है ना वो रजिस्टर्ड किया हुआ है। मैं आपको और देखिए मैं अभी आपको पूरे के पूरे अंदर तो नहीं लेकर के जा पाऊँगा, जहाँ तक है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपना पिन कोड डाला, उसके बाद में एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे, जो मेरे मोबाइल पर OTP रिसीव हो चुका है। यहाँ पर आपको OTP डालना है, उसके बाद में आपको अपना एक पिन कोड डालना है यहाँ पे, सॉरी इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी आप अपने कंपनी का नाम है जैसे, तो आप एक तो अपना कंपनी के नाम का एक ईमेल आईडी भी बना सकते हैं, और अगर नहीं हो तो आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है कि क्या पासवर्ड से आपको अपना अकाउंट को लॉगिन करना है, ठीक है। तो आप अपना एक यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लीजिएगा, और यहाँ पर देखिए आपको मीशो बता भी रहा है ऑल यू नीड टू सेल ऑन मीशो इस GST, खाली नंबर मांग रहा है, खाली डॉक्यूमेंट्स के अंदर में GST नंबर और एक बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांग रहा है। GST नंबर आपका मांगता है क्योंकि भाई आप कहीं पे भी प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं, आप पूरा पैन इंडिया के ऊपर में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपका कोई भी एक स्टेट से दूसरा स्टेट पे जाने के लिए आपको GST मैंडेटरी होता है। तो एक मीशो को चाहिए होता है आपका GST नंबर, और दूसरा चाहिए होता है एक बैंक अकाउंट का डिटेल्स, जो नाम से आप अपना GST एक फॉर्म जो अप्लाई जो करते एक बनाते हैं, जो भी आप प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बना सकते हैं, तो उसी नाम पे आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स चाहिए होता है। उसी नाम पर ही आप अपना बैंक अकाउंट एक खुलवाते हैं, जो आप बैंक में करंट अकाउंट जिसको बोलते हैं वो, तो आपको करंट अकाउंट का यहाँ पे डिटेल्स देना रहता है। दो चीज़ आप दे करके आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद में आपसे GST नंबर मांगेगा और बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगेगा। तो चलिए मैं आपको मैं इसके अंदर में OTP मेल आईडी और पासवर्ड सेट करता हूँ पहले। तो दोस्तों मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट कर लिया है, अब उसके बाद में ये हमें दूसरे पेज के ऊपर में लेकर के आता है। जब हम लोग दूसरे पेज के ऊपर में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए मांगता है आपका GST का नंबर, ये देखिए इस जगह के ऊपर में ये GST नंबर मांगता है। यहाँ पर आप GST नंबर देते हैं, देखिए ये मेरा GST नंबर है तो मैं इसको दूंगा। तो ये देखिए बोल रहा है कि ऑलरेडी ये GST नंबर रजिस्टर्ड है सप्लायर के पास में, ये देखिए ये मेरा ऑलरेडी GST नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड है, इस बोल करके ये GST नंबर ले नहीं रहा है। आप अपना GST नंबर जब नए से ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये GST नंबर ले लेगा। GST नंबर जैसे ही आप लेंगे आपको वेरीफाई करेगा ये GST नंबर आपका सही है या नहीं है। GST नंबर वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आपको ये दूसरे वाले ऑप्शन पर लेकर के आ जाएगा पिकअप एड्रेस पर। तो जो भी आपका पिकअप एड्रेस हो
जो भी आपका लोकेशन हो, तो वो आप अपना यहाँ पर पिकअप एड्रेस लोकेशन आप यहाँ पर इसको शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद में ये मांगेगा आपसे थर्ड नंबर पर बैंक डिटेल्स। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये मांगता है बैंक डिटेल्स, तो ये बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा, जो भी आपका बैंक का जो करंट अकाउंट का जो भी बैंक का नाम नंबर IFSCI कोड ब्रांच ये सब आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में आएगा सप्लायर डिटेल्स। सप्लायर डिटेल्स के अंदर में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, ये आपसे पूछेगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या जो भी आपका सप्लायर का डिटेल्स है, आपका नाम कॉन्टैक्ट नंबर और सारा का सारा चीज़ें यहाँ पर अपना मेंशन करेगा। इसको आप जैसे ही आप करते हैं उसके बाद में आप ओके ओके करिएगा तो आपका मीशो के अंदर में एज ए सेलर, आपका एज ए सेलर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाता है। सेलर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में हमें करना क्या पड़ता है, अब हमको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। हम लोग एकदम हमारा अकाउंट एकदम रेडी है प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हमें अपना प्रोडक्ट को सेल करना है। प्रोडक्ट सेल करने के लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम लोग को यहाँ पर अपना प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको अपना लिस्टिंग भी दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको अपना लिस्टिंग भी दिखा रहा हूँ। मैं लिस्टिंग पर आ गया हूँ, ये मेरा सारा का सारा लिस्टिंग किया हुआ है। देखिए 2 से 3 साल ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट शायद आपने देखा भी होगा, ये प्रोडक्ट हम सेल करते हैं और यही प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, तो ये हमारा खुद का ही प्रोडक्ट है। हम लोग बाहर का कोई प्रोडक्ट सोर्स नहीं करते हैं, जो भी प्रोडक्ट है हम लोग घर पर ही बनाते हैं, हमारा खुद का ही फैक्ट्री है। तो ये प्रोडक्ट है, अगर आपको भी चाहिए तो आप लोग भी ये प्रोडक्ट हमसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट का प्राइस देखो, मीशो प्राइस हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को जो बेचते हैं 514 रुपये में ये दो पीस बेचते हैं, दो पीस 514 रुपये का बेचते हैं, ठीक है। बाद बाकी ये ब्रेकअप लिखा हुआ है, ये रॉन्ग रिटर्न, रिटर्न फीस और ये सब चीज़ के लिए, ठीक है। हम लोग इस प्रोडक्ट को इस प्राइस के अंदर में बेचते हैं। इसका साइज़ रहता है 2 से 3 साल का साइज़, 2 से 3 साल मतलब दोस्तों हम लोग इसके अंदर में 18 नंबर का साइज़ देते हैं, हमारे बॉयज़ के अंदर में ये 18 नंबर का साइज़ आता है, 2 से 3 साल। इस एक एक कैटेगरी के ऊपर में ये हमारा लिस्टिंग देखिए 99 लिस्टिंग है। तो ये लिस्टिंग कैसे होगा इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बताऊँगा कि ये लिस्टिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में लिस्टिंग करने के बाद में हमारा ऑर्डर्स कैसे आएगा, आगे का और क्या क्या प्रोसेस है, ये सारा का सारा डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।